गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हियर वी विल बी डिस्कस अबाउट द वाटर्स। एज वी नो दैट वाटर इज ऑल्सो ए इसेंशियल कंपाउंड फॉर आवर सर्वाइव्स, बिकॉज वी नीड द वाटर्स, वी ड्रिंक इट एंड आवर बॉडी रिक्वायर द वाटर्स। सो एवरी थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन दिस अर्थ लाइक द एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग, दे ऑल्सो रिक्वायर द वाटर्स। एंड वाटर इज ऑल जनरली प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड द अर्थ। सिमिलरली द एयर, जैसे एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, वैसे वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ वाटर्स भी प्रेजेंट है। इट मे बी फॉर्म इन द स्टीम्स और द वेपर फॉर्म, और इट मे बी प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म। या तो वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर वो वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है। इफ यू विल सी द अर्थ सरफेस, आवर इज कवर्ड अराउंड द 70% ऑफ द वाटर। सपोज जो अगर आपने मैप देखा होगा SSTs के अंदर, जो लैंड सरफेस है वहां पर अराउंड हमारा 30% है, और वाटर्स हमारा कितना है 70%। सो 70% सरफेस ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर्स, एंड ओनली 30% हैज ए लैंड सरफेस। ओके, सो वाटर इज प्रेजेंट इन आवर अर्थ वेरी हाई अमाउंट। ओके, सो काफी ज्यादा है। सो यू विल बी सी देयर आर सम डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ द वाटर्स। जनरली वी सी इन द पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सी एंड ओशियन, दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ द वाटर्स। So some water seeps under the ground. There are some waters that is also present in our ground, underground, and we can generally pull out this water through the using of wells and the tube wells. जो हमारा ग्राउंड वाटर से, जो अंडरग्राउंड वाटर से, उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे, वेल्स के या ट्यूब वेल्स के थ्रू। ठीक, जैसे हम मोटर पंप भी यूज कर लेते हैं आज के टाइम में, तो जो हम मोटर लगाते हैं तो मोटर भी हमारे ग्राउंड वाटर को पुल अप करता है, एंड दैट इज ऑल्सो helpful for us, okay, for using the waters. So here you have to use the any two of the waters. There are different use of the waters. हम उसको drinking में use करते हैं, clothes को washing करने में use करते हैं, utensils के लिए wash करते हैं, agricultures में use करते हैं। Water के बहुत सारे use हैं। I think you will be do it by yourself. Now we will be discuss the properties of the sugars. So you will be see what are the properties have a waters. So waters can be dissolve many things like the salt, sugar, ink, etc. So water has a properties, it can be dissolve lot of the things which generally can be dissolved, like the salt, sugar, ink. They can be easily dissolved in the waters, so they may be known as the miscible substance. Okay, so miscible is generally known which are soluble in the waters. So second, you will be see the water is found in the three state. It generally found in the solid state, liquid state and the vapor states. Solid state में जब हम found करते हैं water को, हम क्या बोलते हैं, ice. When we found the water in liquid state, we generally call water. And when we found the water in the gas state, we generally call the steams. तो हमारा जो water से तीनों states के अंदर present होता है, ये हम उसको measure भी found करते हैं, हमारा पाया जाता है water. ठीक है, so now we will be see here some impurities in the waters, and I think we have okay. Third one is remain. Water can absorb the lot of heat, and that's why that is used as a coolant in the many vehicles. So water has a ability to absorb the large amount of the heat. ठीक है, इसके ये वाटर जो होता है काफी ज्यादा अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, गाड़ी हो गई, कार हो गया, उनके जो इंजन होते हैं उनमें कूलिंग एजेंट यूज किया जाता है एज ए वाटर स्प्रे, ताकि जो हमारा इंजन गर्म हो जाता है उसको हम कूल कर सके, ठंडा कर सके, जिसकी हीट है वो वाटर एब्जॉर्ब कर ले। सो हियर वी विल बी डिस्कस अबाउट द सम इम्प्योरिटीज इन द वाटर, एंड वी नो जनरली वाटर इज नॉट प्रेजेंट इन द प्योर फॉर्म। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर इज प्रेजेंट इन द प्योर फॉर्म, बट इफ यू कैन नॉट कलेक्ट दैम, सो इट विल बी वैन इट विल बी फॉल इन द अर्थ सरफेस, सो इट विल बी बिकम द डर्टी। So most of the waters we get in the dirty form, impurities forms. So how we can be pure these waters? So you have to remember, rain water is the purest form of the waters. When it will be fall under the earth surface, so it will be get the mixed with some impurities, and these impurities will be dissolved with the water substance. Okay, so some of the impurities can be easily dissolved, but some impurities cannot be easily dissolved, or we can say some impurities are the undissolved. So impurities are the two types. One is the dissolved impurities and second are the undissolved impurities. So we can say one is the soluble impurities which can easily dissolve. जो water में complete घुल गई है, dissolve हो गई है। Suppose अगर मैंने waters लिया और उसके अंदर मैंने एक
सॉल्ट को ऐड करा। जो सॉल्ट होता है हमारा, अगर हम सॉल्ट को ऐड करेंगे तो सॉल्ट कम्प्लीटली इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्ट या फिर सुगर को हम ले सकते हैं, ओके, सुगर भी वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल घुल जाएगा। जो कम्प्लीट डिसॉल्व हो गया उसको बोलते हैं हम सॉल्यूबल। तो कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जो वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाती हैं। सिमिलरली अगर मैंने थोड़ा सा रेत लिया या मिट्टी ली, इफ आई टेक द सम अमाउंट ऑफ द सोइल और द सैंड एंड इफ यू विल ट्राई टू डिसॉल्व इन द वाटर्स, सो डेफिनेटली ये डिसॉल्व नहीं होगा। अगर हमें सोइल को लें या फिर हम रेत को लेंगे तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। इस तरह की इम्प्योरिटीज को बोलते हैं इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज या अनडिसॉल्व इम्प्योरिटीज, क्योंकि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हुई है। तो इम्प्योरिटीज हमारी दो तरह की हैं, एक सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, एक इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। तो हम उनको किस तरह से रिमूव करेंगे? सो फर्स्टली वी विल बी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन बी रिमूव द सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, यानी कि जो वाटर के अंदर रिमूव डिसॉल्व हो चुकी है, घुल चुकी है। तो फर्स्ट मेथड वी विल कैन ट्राई आउट द इवेपोरेशंस। सो यू विल बी सी इवेपोरेशंस व्हेन वी विल बी टेक ए बॉल ऑफ द फुल ऑफ वाटर्स एंड ऐड सम सॉल्ट इन इट एंड देन कीप द बॉल इन द सनलाइट। हमने एक क्या करा, बॉल्स लिया यानी कि बर्तन लिया, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया, वाटर रखा एंड वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट वी आर एज्यूमिंग दैट इज अ काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज एंड आफ्टर द सम टाइम्स दिस वाटर विल बी इवेपोरेट। वाटर कहाँ जाएगा, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको सनलाइट में रखा है, वो गर्म होगा सनलाइट के अंदर धीरे धीरे, और जब गर्म होगा तो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होने लगेगा। जैसे ही वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा तो हमारी जो इम्प्योरिटीज है, सॉल्ट है, वो हमारे इस बॉल्स के अंदर प्रेजेंट हो जाएगी। तो क्या करा हमने, दोनों को सेपरेट आउट कर दिया। सेपरेशन हो रहा है सोल्यूबल इम्प्योरिटीज का वाटर के साथ। तो वी कैन से दैट इज द फर्स्ट मेथड, द इवेपोरेशन, वी कैन रिमूव द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर। सेकेंड यू विल बी सी द डिस्टिलेशन। ओके, इन द इवेपोरेशन हमारा वाटर तो लूज हो गया, वाटर कहाँ चला गया, पानी वेपर में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास क्या बचा, सैंड। बट इफ यू वॉन्ट टू द बोथ, वाटर भी हमें चाहिए और हमें सैंड सोइल भी चाहिए, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, सॉल्ट भी अगर चाहिए। सॉइल हमने क्या लिया है एज ए सॉल्ट, हमने क्या लिया है एज ए इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। तो हमें इम्प्योरिटीज और वाटर दोनों का अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो हम जनरली प्रोसेस यूज करते हैं डिस्टिलेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिलेशन, फर्स्टली डिस्टिलेशन के अंदर हम क्या करेंगे, वाटर को हीट करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको कूल करेंगे। इफ यू विल बी सी देयर इज ए बॉल वेयर वी जनरली टेक द सम अमाउंट ऑफ द वाटर्स। हमने इसके अंदर थोड़ा वाटर लिया जिसके अंदर इम्प्योरिटीज डिसॉल्व है। इम्प्योरिटीज कौन सी हैं, सॉल्यूबल, जैसे हमने पानी के अंदर नमक घोल दिया, नमक को हम एज ए इम्प्योरिटीज ले। तो जो भी हमारा सॉल्ट इसके अंदर डिसॉल्व है दैट इज द इम्प्योरिटीज एंड वी विल बी गिव द सम हीट। हमने नीचे बर्नर्स रखा और उसको हमने हीट करना स्टार्ट किया। जैसे हम हीट करेंगे तो पानी इवेपोरेट होगा, पानी कहाँ जाएगा, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और हमने इसको ऊपर से क्या करा, कॉर्क के साथ इसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, तो वेपर हमारी एयर के अंदर लॉस्ट नहीं होगी। यहाँ पर हमने इसको एक थोड़ा सा टर्नआउट कर दिया, यानी कि यहाँ पर एक वे कर दिया कि एयर हमारे इस सिरिंज के थ्रू, इस पाथ के थ्रू कम आउट हो। और यहाँ पर हमने क्या करा, फ्रीज कर दिया, यानी कि यहाँ पर हम टेम्परेचर्स कम कर देंगे तो वेपर क्या होगी, कोल्ड आउट हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, वो फिर से वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ यहाँ पर, हमने सबसे पहले वाटर लिया, उसको हमने गैस के अंदर कन्वर्ट करा यानी कि स्टीम्स के अंदर, और फिर गैस हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वाटर के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। सो डिस्टिलेशन के अंदर हम वाटर को प्योरीफाई कर रहे हैं फ्रॉम द इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। फर्स्टली वी विल बी हीट अप एंड इट विल बी कन्वर्ट इनटू द स्टीम्स, देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू द वाटर्स। सो डिस्टिल वाटर्स हमारा कहाँ यूज किया जाता है, लेबोरेटरीज के अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज नहीं होती है। आई थिंक इट्स क्लियर। वी विल बी डिस्कस द रिमूवल ऑफ द इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो वी विल बी डिस्कस द इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, यानी कि जो इनसॉल्यूबल्स नहीं होती है, यानी कि डिसॉल्व नहीं होती है।